हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के। इस सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने तेल को कुकर में डाल दिया है। तेल को गर्म होने देंगे। डालेंगे एक चम्मच जीरा, चटकने लगेगा तो इसमें डाल देंगे गोभी। जीरा चटकने लगा था तो इसमें हमने डाल दिया है गोभी। गोभी को फ्राई कर लेंगे। आलू गोभी फ्राई हो गया, इसमें डाल देंगे एक चम्मच अदरक का पेस्ट। लहसुन नहीं, अदरक का पेस्ट डालेंगे यहाँ पर। एक बड़े साइज का टमाटर कट करके डालेंगे इसमें। इसमें अब डाल देंगे टमाटर जो कट करके रखा है मैंने। डाल देंगे नमक, चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच जीरा पाउडर। मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को पकाएंगे हम 2 मिनट के लिए ढक के। मसाले अच्छी तरह से सब पक गए हैं। अब इसमें डाल देंगे पानी हम। मसाले अच्छी तरह से, अब इसमें डाल देते हैं पानी। अब यहाँ ग्रेवी के लिए पानी इसमें डाल देंगे। डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। हाफ चम्मच गरम मसाला डाल, ढक्कन लगा के 1 सीटी दिलवा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना यम्मी आलू गोभी की सब्जी बिना लहसुन प्याज से बन के तैयार हुआ है, एकदम सिंपल मसाले से। देखिए फ्रेंड्स, कितना यम्मी और टेस्टी सा आलू गोभी की सब्जी लहसुन प्याज से बन के तैयार हुआ है। ये सब्जी खाने बहुत ही टेस्टी है, हमें लगता है। इसको पूरी, रोटी, चावल किसी चीज़ के खा सकते हैं सब्जी को।